कोई सा काट किसी के ऊपर सबको आप अदरणी कैसे बता सकते हैं। और ये है कि सभी समाज के लोग खड़े हुए हैं, समाज की हम लोगों की पुराने बुजुर्गों की परंपरा है जो पुराने बुजुर्गों का है, ये पीछे से तो असंभव है। यही से दिन में चोरी करेगी, लेकिन पंडित जी को ध्यान बंद नहीं। अब सुबह ध्यान आया इनको कि भाई पेटी नहीं है, जब इनने लोगों को बताया फोन किया कि भाई चोरी गई है पेटी, कुल मिला के अभी जैसे थाने सिपाही भी आ रहे तो ऊपर उनने निरीक्षण किया, उनमें यहाँ से कोई गुंजाइश नहीं है चोरी जो पेटी ले जाए। मंदिर हमारे प्रजापति समाज का है और यहाँ हमारे बुजुर्गों ने इस मंदिर को बनवाया था और आज इतने समय के बाद जब से बुजुर्ग लोग आज तक इस मंदिर में चोरी नहीं हुई, लेकिन अचानक कल चोरी हुई है, ये बड़े दुख की बात है और इससे हमारा प्रजापति समाज बहुत गुस्से में है क्योंकि इस मंदिर में पहली बार चोरी हुई है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस चोरी की जल्दी से जल्दी जांच कर इस चोरी का उजागर किया जाए जिससे हम लोग प्रजापति समाज में आक्रोश ना रहे। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 25-30 हज़ार रुपये की उस दान पेटी में, क्योंकि वो 1-1.5 साल से खोली ही नहीं गई थी उस पेटी को। शुभ नाम आपका? मुंशी प्रजापति, पूर्व पार्षद एवं समाज का चौधरी। ये बताएं, ये मंदिर हमारे प्रजापति समाज की धरोहर है जिसमें भी कई सालों से कई वर्षों से हमारे पुराने बुजुर्ग देख रेख किया करते थे। आज उन्हीं की परंपरा को लेकर आज हम लोग चल रहे हैं। मंदिर में दान पेटी रखी हुई थी, कम से कम मेरा ख्याल है 20-25 हज़ार रुपये उस मंदिर में था। तो ये जानकारी पंडित के कहने के आधार पर ये लग रहा है पर यह पेटी दिन में चोरी गई है कि रात में चोरी गई, क्योंकि पीछे का भी दरवाज़ा खुला हुआ था, पंडित दरवाज़ा लगाना भूल गए थे। शुभ नाम आप? जी बताएं। श्री सिद्ध बाबा मंदिर लाल माटी क्षेत्र जबलपुर में इस मंदिर का सेवक हूँ। मैं करीब इस कोरोना के वायरस के चलते यहाँ पे जो हमारे सेवादार है वहाँ उनका आना बहुत कम हो रहा है, जिसके कारण से मैं यहाँ पे अकेला हूँ और दिन में या सुबह हो सकता है 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मंदिर पट खुलने का समय है, वो शाम को 4 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो हमें इसी बीच में इसका समय का अनुभव है कि अगर सुबह या 12 बजे पहले हुई है या शाम को 4 बजे के बाद हुई है, या हम नीचे गए हो मोटर वोटर लगाने या कहीं इधर से बगीचों के बीच में चले हो, जिसके कारण से मंदिर में दान पात्र का चोरी होने का संकेत हमें है। कब पता चला आपको ये चोरी हुई? हमें आज सुबह पता चला जब मैं साफ सफाई दिन प्रातः काल का समय था, स्नान वगैरह करके मैं अंदर साफ सफाई करने जा रहा था। साफ सफाई करना जिस जगह पे दान पात्र रखा हुआ था उस जगह में मैंने साफ सफाई करना चालू किया। वहाँ जाना का हमें ध्यान आया कि जिस जगह में दान पात्र रखा था उस जगह में झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के पश्चात हमको पता हुआ था दान पात्र रखा रहता था। तो मैं सोचा इधर उधर कहीं रख दिया हूँ, तो मैं इधर उधर खोजने की कोशिश की, फिर छत पे मैं कोशिश किया, फिर हमें दान पात्र नहीं मिला, जिस कारण से मैं मुन्ना प्रजापति को और मुंशी भैया को सूचित किया और प्रजापति लोगों को सूचित किया। वो लोग भैया लोग हमारे पास आए और फिर थाने में भी कंप्लेंट करवाया, कृपया आप इसका जांच करें और उसको जल्द से जल्द नाम बता कोशिश करें। मेरा नाम सचिन मिश्रा है, सुदेवा मंदिर।